ये वाला रोके के होता तो ये वाला ठीक हो जाए। तुम तो दूर से ले हेलो दोस्तों, चलिए अभी आप लोग को अभी बता रहे हैं ये कूलर बनाने की मोल्ड बना रहे हैं। तो आप लोग को अगर कूलर का मोल्ड लेना है ऑल इंडिया हर जगह कहीं से तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरा एड्रेस है बिहार दरभंगा रोड NS 57, मेरा शॉप है। तो गाइज आप लोग मोल्ड जहां से भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर मोल्ड लेना चाहते हैं तो मोल्ड ले सकते हैं, मशीन लेना चाहते हैं मशीन ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा प्लांट लगवा सकते हैं मेरे से जुड़ के। आप देख सकते हैं कि हम खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका मोल्ड का, और मेरे वीडियो में आप जा कर के भी देख सकते हैं मशीन का और मोल्ड खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो अभी ये मोल्ड निकाल लिए, आप लोग अगर मोल्ड लेना चाहते हैं ये 60 ml की है और ये बहुत बेहतरीन डिजाइन है। अगर आप अपना मन पसंद डिजाइन कटवाना चाहते हैं तो आप कटवा सकते हैं, और जो है कि सिंडिकेटर पगमिल बेलेंजर सभी प्रकार के मशीन प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। और यहाँ से थोड़ा दूरी पे मेरा शॉप है तो वहाँ पे सारा मशीन का सेटअप रहता है, यहाँ पर सिर्फ मशीन बनाया जाता है, मोल्ड बनाया जाता है यहाँ पे। मशीन जो है कि यहाँ से मेरा शॉप थोड़ा अलग है, यहाँ से 1/2 किलोमीटर है वहाँ पे रहता है मशीन। तो देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है ये, और इसी मोल्ड के माध्यम से एक ही मशीन से सिर्फ मोल्ड आपको चेंज करना है। कटोरा का हो गया, थाली का हो गया, प्लेट हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, हांडी हो गया, किसी भी प्रकार के आप लोग को मिट्टी संबंधित मोल्ड बनवाना है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या मशीन लेना है तब पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस ढंग से बनाया जाता है। तो गाइस आप लोग को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस रहेगा, वाइल इसमें लगाना है। आप लोग को अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो मेरे से लेकर के ये मोल्ड मास्टर कॉपी आप बना सकते हैं। तो अभी पूरा प्रक्रिया इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें काम करना है। सिर्फ इसको ठोकी से ठोक देना है, 10 से 15 मिनट इसको पीओपी डाल के रखना है, और जो है कि अभी घोल बनाएंगे इसमें और डालेंगे सारा जो है ये सारा इसमें डालेंगे, घोल बना करके डाल देंगे। तीन पीस और बचा हुआ है, इसके बाद घोल बनेगा, घोल आएगा। ये ज़्यादा अभी बिजनेस जो है कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप लोग भी एक छोटा सा मशीन लेकर के आप प्लांट लगा सकते हैं। और ये जो है मिट्टी का कप, पेपर कप बंद होने के कारण और उसमें स्माइल आने के कारण वो बैंड हुआ है, या सरकार तो बैंड कर दिए हैं लेकिन पब्लिक लोग ने जो है कि इसका अभी भी यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट में आएगा वैसे वैसे ये पेपर कप बंद हो जाएगा। तो आप लोग भी प्लांट लगाइए और मेरा सहयोग रहेगा पूरा।
इस बाल्टी में जो है कि पीओपी डाल रहे हैं और पूरा प्रोसेस रहेगा। इतना पीओपी इसमें डालना है जो कि ये पूरा बन जाए, गढ़ा बन जाए। आप लोग अगर कूलर प्लांट ट्रेनिंग लेकर के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग भी होता है। तो गाइज ट्रेनिंग के लिए देख सकते हैं इधर मशीन बहुत सारा लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग दे करके और स्टार्ट किया जाता है। तो कूलर इस प्रकार के इस मशीन से बनेगा। इस प्रकार के कूलर बनेगा, इसमें चाय पिया जाएगा। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग है और मार्केट में जो है कि ये अब जाएगा और इसमें चाय का में इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत सुंदरता होता है और एकदम फिनिशिंग होता है। ये अब पकने के लिए जाएगा भट्टी में। तो आप लोग भट्टी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो भट्टी होता है, बहुत तरह का भट्टी होता है, गैस वाला होता है और जो है कि बुरादा वाला होता है, कम लागत में बुरादा वाला से पकता है। गैस भट्टी में जो है कि ज़्यादा खर्च पड़ता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, तो इसलिए बुरादा वाला भट्टी सबसे सस्ता में पड़ता है। तो आप लोग भी इस प्रकार के कूलर बना करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग दे करके काम किया जाता है। देख सकते हैं बहुत सारा डाई यहाँ पर लगा हुआ है। ये कटोरा भी है, ये कटोरा का मोल्ड है ये वाला, इसमें बनता है कटोरा। कितना फिनिशिंग है देख सकते हैं, और पकेगा तो और लाइटिंग में आता है। ये बहुत फिनिशिंग होता है। ये रसमलाई के लिए यूज कर सकते हैं, दही के लिए यूज कर सकते हैं। पका हुआ कटोरा यहाँ पे है सैंपल में। मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है बिजनेस, तो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, अपने रोज़गार को बढ़ाइए और इनकम इसमें 50% है। तो आप लोग भी आकर के यहाँ विजिट कर सकते हैं मेरे प्लांट पे। पीओपी डाला जाएगा, एक एक करके इसमें डाल दिया जाता है। बराबर डालना है और इसका जो है 2 से 3 मिनट में ये निकल जाता है। 2-3 मिनट में हम निकाल सकते हैं आसानी से।